में कांग्रेसियों का जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस की कलह सामने आई है। जिला कांग्रेस भवन में बैठक हो रही थी और इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा और जबरदस्त हंगामा हुआ है। कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ चुकी है। जिला कांग्रेस भवन में ये बैठक हो रही थी और इसी बीच बैठक होते ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ गए, अपना गुस्सा जाहिर करने लगे और ये बैठक के दौरान ही पूरा हंगामा बरपा। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी रेत खदान चल रहा है, सेटिंग से चल रहा है। आप लोग साथ रहे, मैं अलग से मैं आपने और चलिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता अभिषेक लगातार जुड़े हैं धमतरी से। अभिषेक, क्या विवाद हुआ था, ये किस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कांग्रेसी? देखिए, बीते दिनों चुनाव हुए हैं, जहां विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन जहां तक धमतरी के 40 वार्ड जो शहर के वार्ड है उस सभी में कांग्रेस हार गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें भी वही रिजल्ट दोहराया। लोकसभा चुनाव में जो शहर के 40 वार्ड थे उसमें फिर से कांग्रेस सभी वार्डो में हार गई। आज आगामी निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पर समीक्षा कर रहे हैं, तो उस दौरान उस हार का जो दर्द है वो कार्यकर्ताओं के अंदर से निकला, आक्रोश फूटा और भरी बैठक में और मीडिया के कैमरों के सामने ये आक्रोश फूटा है। खुलेआम जो जिला के पदाधिकारी है, जिला का जो कमांड है, बॉडी है, उसके खिलाफ जो कई वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पूर्व पदाधिकारी है, उन्होंने खुलकर आवाज उठाई और कहा कि कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, ऐसे आरोप लगे हैं। और इस हंगामे के बीच प्रदेश अध्यक्ष को ने आश्वासन देना पड़ा, ये कहना पड़ा कि मैं आप लोगों से अलग से बात करूंगा, क्योंकि मामला गंभीरता अभी भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि बैठक अभी भी चल रही है। आप यहां से देख सकते हैं कि बैठक चल रही है और चर्चा लगातार जारी है। दीपक बैज, धमतरी के जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी, ये आप लगातार नजर बना के रखिए अभिषेक, आगे भी। तो लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो काफी हंगामा बरपा, हालांकि अभी भी बैठक लगातार चल रही है। और आगे बढ़ेंगे, जहां दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में एसीबी की रेड पड़ी है। बीएमओ वेणुगोपाल राव को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया, 15,000 की घूस लेते एसीबी ने पकड़ा है। गाड़ियों का पैसा पास करने के लिए घूस मांगी गई थी और ये पूरा मामला दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में एसीबी की रेड पड़ी। बीएमओ वेणुगोपाल राव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, 15,000 की घूस लेते एसीबी ने पकड़ा है। गाड़ियों का पैसा पास करने के लिए घूस मांगी गई थी। संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए। दिनेश, रिश्वत लेते, 15,000 की रिश्वत लेते बीएमओ को पकड़ा गया है? जी, मैं बता दूं कि लंबे समय के बाद जो चल रहे जिले में भ्रष्टाचार को लेके एसीबी का छापा पड़ा है। जिला अस्पताल में एसीबी का जो छापा पड़ा है, इसमें वेणुगोपाल राव डॉक्टर है जिनके ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है, जो पीड़ित बताया है कि किराये योजना में चार पहिया भुगतान के एवज में 20,000 रुपए की बीएमओ द्वारा मांग की गई थी। प्रार्थी के द्वारा एसीबी से शिकायत की गई, तो प्रार्थी ने बताया कि बहुत ही ज्यादा परेशान था, आर्थिक स्थिति थी और वो पैसा नहीं दे पा रहा था, उसका बिल को रोक दिया गया था। और जब वो एसीबी के टीम के पास गया तो शिकायत करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी के लिए। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग का बाबू घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। एजुकेशन लीव सेटलमेंट के लिए मांगी थी रिश्वत, नर्स से 20,000 की घूस ले रहा था, एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का बाबू घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। एजुकेशन लीव सेटलमेंट के लिए रिश्वत की मांग की गई थी, जहां नर्स से 20,000 की रिश्वत ले रहा था बाबू और इसी दौरान एसीबी की टीम ने रंगे हाथों बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है।
तो देखिए एजुकेशन लीव सेटलमेंट के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था, नर्स से 20,000 रुपए की घूस ले रहा था बाबू, जिसे एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग का बाबू घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। एजुकेशन लीव सेटलमेंट के लिए रिश्वत की मांग करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां बिलासपुर में मलेरिया से दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। 6 साल और 12 साल के दोनों भाइयों की मौत हो गई है। मां की भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मां को गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती किया गया है। बेलगहना के काली माटी गांव का ये पूरा मामला बताया गया है और अब तक मलेरिया के 14 मरीज सामने आ चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने पुष्टि की है। और इससे पहले टेंगनमाड़ा में मलेरिया से दो बच्चों की मौत हुई थी, यानी कि कुल आंकड़ा 4 पहुंच चुका है। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर मलेरिया से दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया। 6 साल और 12 साल के दोनों भाइयों की मौत हुई है। 14 मरीज जो है मलेरिया से जांच कर पाए गए हैं और जिसमें 9 लोगों को जो है ये इसकी गंभीरता को देखते हुए सिम्स रेफर कर दिया गया है। 4-5 लोग पहले से भर्ती हैं और कल भी बाकी लोगों को 5 लोगों को रेफर किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन का छत्तीसगढ़ में भी असर देखने को मिला है। रायपुर एयरपोर्ट पर भी विमान सेवाएं प्रभावित हुई। ऑनलाइन सिस्टम ठप होने से यात्री काफी परेशान नजर आए। एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में परेशानी देखने को मिली। मैनुअल चलाना पड़ रहा है सिस्टम। हालांकि इससे काफी दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे जो पहले जिस तरीके से एयरपोर्ट्स में काम होते थे, अब उन्हीं तरीकों से एयरपोर्ट में काम हो रहे हैं। लेकिन यात्रियों को विमान में विमान यात्रा के लिए देरी होने के चलते और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अब जो एयरपोर्ट में काम काज प्रभावित हो रहे हैं, इसका असर कई यात्रियों पर भी पड़ा है। संवाददाता आकाश जुड़ गए। आकाश, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने का असर छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट में भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो डाउन हुआ है उसका असर जो है रायपुर एयरपोर्ट में भी देखने को मिला। यहाँ पर यात्री परेशान नजर आए, क्योंकि यहाँ पर हर दिन 6,500 से ज्यादा यात्री जो है वो यहाँ पर सफर करते हैं। इसके साथ ही जो 25 से अधिक फ्लाइटें हैं वो दिन भर में यहाँ से उड़ान भरती है, तो इसमें एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ऑनलाइन में कुछ नजर नहीं आ रहा है, ब्लू और एरर स्क्रीन ब्लू दिखा रहा है, एरर नजर आ रहा है। तो ऐसे में मैनुअल सेवाएं जो यहाँ पर शुरू की गई है, जो यात्री आ रहे हैं पूछताछ करने पर उन्हें जानकारी दी जा रही है। प्रबंधन का कहना है व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है मैनुअली जानकारी देते हुए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड समस्या है। तो इस वजह से जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर सीधे तौर पर सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। ऐसे में अगर दिक्कत आगे बढ़ती है तो यात्रियों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो दिक्कत आई है उसकी वजह से ओपी चौधरी जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं उसके भी दिल्ली में फंसे होने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि फ्लाइट जो है समय पर उड़ान नहीं भर पाई है। तो तमाम तरीके से दिक्कत आ रही है यात्रियों को इस वजह से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। रायपुर महापौर ने कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस वार्डों से वोटर्स हटाए गए, तो इसका हम जमकर विरोध करेंगे। परिसीमन के जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि वार्डों का परिसीमन निगम और प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद आरोप लगा रही है कहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण यही है कि पार्षद के अच्छे क्षेत्रों को जहां उसका अच्छा प्रभाव है उस प्रभाव के क्षेत्र को काट दिया जाता है। तो इस तरीके की अगर वो ना होगा तो हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और ये इसमें अगर कुछ खेल होगा तो फिर हम लोग फुल इसका विरोध भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। जो नियम प्रक्रिया है उन नियम प्रक्रियाओं के अनुसार ही वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है। और संवाददाता तनु वर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। तनु, परिसीमन को लेकर सियासत हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सियासत जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार परिसीमन को लेकर जो है कांग्रेस जो है वो भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं। और जब से परिसीमन का कार्य शुरू होने वाला है तब से ही महापौर इजाज देवर की अलग अलग बयान जो है परिसीमन को लेकर वो सामने आ रहे हैं। और इस पर का कहना है कि अगर बता दूं आपको कि 16 जुलाई के आसपास इस पूरे
उसको लेकर प्रकाशन जो है वो करना था, लेकिन अभी तक प्रकाशन जो है वो नहीं हो पाया और परिसीमन को लेकर ड्राफ्ट भी जो है वो तैयार कर लिया गया है। ऐसे में महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि वो प्रकाशन का वेट करें, अगर प्रकाशन के समय में किस तरह गड़बड़ी जो है वो पाई जाती है परिसीमन को लेकर, पुराने नियम के अनुसार अगर परिसीमन और जिस प्रक्रिया के अनुसार परिसीमन होता है उस प्रक्रिया के अनुसार अगर परिसीमन नहीं होगी तो वो अब सड़क की लड़ाई परिसीमन को लेकर भी करेंगे और अदालत तक का रास्ता भी जो है वो अपनाएंगे। इसके साथ ही जब नगरीय प्रशासन मंत्री से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि कांग्रेस जो है बेबुनियाद आरोप लगा रही है और जिस नियम और प्रक्रिया से परिसीमन होता है उसी परिसीमन से जो है आगे उसी नियम के अनुसार परिसीमन अभी भी जो है वो कराया जाता है। वहीं देखिए तो जब जो भी राजनीतिक दल परिसीमन कराती है और जब जिस राजनीतिक दल की पार्टी होती है अक्सर देखा जाता है कि उसी समय। बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। रायपुर में बदमाशों का आतंक जारी है। रावतपुरा बीएसयूपी कॉलोनी में बदमाश ने अधेड़ को मारा चाकू, आदतन अपराधी आरोपी। दरअसल हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल की बेटी को भी आरोपी ने बुरी तरीके से पीट दिया। छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है आरोपी और जेल से छूटने के बाद केस वापस लेने का ये दबाव बना रहा था। वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। रावतपुरा बीएसयूपी कॉलोनी में बदमाश ने अधेड़ को चाकू मारा। राजधानी रायपुर में लुटेरे बेखौफ हैं, डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल डिलीवरी देने जा रहे युवक से चार मोबाइल लूट लिए गए। मंदिर हसौद थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां लुटेरे बेखौफ नजर आ रहे हैं। डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। डिलीवरी देने जा रहे युवक से चार मोबाइल लूटे गए। मंदिर हसौद थाने का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर तीन मकानों को प्रशासन ने ढा दिया। एकलव्य स्कूल के शासकीय जमीन पर ये तीनों मकान बने थे। प्रशासन ने एक एक एकड़ जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है। अतिक्रमण की वजह से स्कूल निर्माण में बाधा आ रही थी। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर तीन मकान को प्रशासन ने ढा दिया है। एकलव्य स्कूल के शासकीय जमीन पर तीन मकान बने थे जिन्हें प्रशासन ने ढा दिया। वहीं बिलासपुर में भी फिर से बुलडोजर एक्शन लिया गया। सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, शिकायत के बाद चला निगम का बुलडोजर। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब ये कार्रवाई की जा रही थी इस दौरान जो मकान बने हुए थे इन्हें ढा दिया गया। और अब आपको दो तस्वीरें अतिक्रमण मुक्त जमीन करवाने की दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है अंबिकापुर की और दूसरी तस्वीर है बिलासपुर की, जहां पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना पर सियासी चैलेंज शुरू हो चुका है। जी हां, भूपेश बघेल ने स्वीकार की मंत्री ओपी चौधरी की चुनौती, जहां किसी भी गांव में लाभार्थियों से हाथ उठवाने की चुनौती दी गई थी। भूपेश बघेल ने कहा रायपुर में ही महिलाओं से पूछ लेते। भूपेश बघेल ने कहा मैं ओपी चौधरी के साथ रायपुर के किसी भी वार्ड में जाने के लिए तैयार हूं। बघेल ने आरोप लगाया था कि महिलाओं को महतारी बंधन की रकम नहीं मिल रही है। ओपी चौधरी ने कहा था कि महिलाओं से ही पूछ लीजिए राशि मिल रही है या नहीं। वहीं भूपेश बघेल के चैलेंज पर बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भूपेश बघेल को सौम्या चौरसिया पर बोलने की चुनौती दी है। संदीप शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल में हिम्मत है तो सौम्या चौरसिया के बारे में बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में तुम हुए तमाम घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। जो सचिव रही है सौम्या चौरसिया जी, जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगे हैं और जो अभी जेल में है, लगातार जेल में है, और इसके पहले उसकी लगातार वकालत करते रहे हैं भूपेश बघेल जी, उस पर उनका क्या कहना है? उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है और पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गए जबकि वो जेल में है। इस पर उनकी कोई हिम्मत है तो बोलना चाहिए। इस पर तो उनकी जबान नहीं चल रही है, इस पर तो चुप बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो उनकी जो जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है उस पर बोलना चाहिए कि कोर्ट उनको क्यों जमानत नहीं दे रही है। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और अभी तो जितने भी घोटाले हुए सारे घोटाले के जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। शराब घोटाला के व्यापारी जो है उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब घोटाला हुआ है उनके कार्यकाल में। नकली होलोग्राम मिल रहे हैं जगह जगह खोदने से।
और अब बात करेंगे मौसम की। बस्तर में झमाझम बारिश हुई है। निगम का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। नालियों का गंदा पानी घरों में घुस गया। गंगानगर, गांधीनगर, दलपत सागर वार्ड हुआ जलमग्न। शहर के शहीद पार्क के सामने तालाब बना हुआ जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल निगम प्रशासन जो दावे करता है कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर किया है, उन दावों की पोल खुलते हुए ये तस्वीर सामने आ रही है जहां नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर भर गया है और अब लोगों को बदबूदार पानी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि दोनों तरफ के दोनों साइड गहरा है और नाली क्या है, चौक है और नाली छोटा है, तो डेढ़ घंटे का पानी में ये हाल है। दोनों ओर की पानी भरी हुई है। ऐसे हर रोड में निकलते ऐसी परेशानी है ना। कितना देर पानी गिरा? एक डेढ़ घंटा गिरा होगा पानी लगभग। ये तो पूरा जलमग्न हो गया पार्क। जलमग्न ये पूरा ही भर गया है पूरा। तो ये तो काम हुआ क्या निगम का? रोड रंग से लेके पूरा पूरे टाउन का ही हाल है। तो काम हुआ था ये पुल पानी नहीं भरेगा? तो काम हुआ था, एक साइड का पुलिया बना हुआ है, एक साइड का बनाया नहीं है। हाँ। तो पूरा इस वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वही कोंडा गांव में हुई झमाझम बारिश, रुक रुक कर तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बारिश के कारण घर से निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है घरों से बाहर निकल पाना क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इस पानी गंदे पानी के भर जाने की वजह से लोगों को घरों में रहना भी मुश्किल है। कोंडा गांव में झमाझम बारिश हुई, इलाका पूरा तरबतर हो चुका है और इस दौरान निचले इलाके खासतौर पर यहां पर पानी भर चुका है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में 20 बड़ी खबरें।